मेरी बेटी को अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर दो। शिखर के सामने हाथ जोड़े मिस्टर शाह ये कहते हैं। शिखर को ये सुनकर झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शाह ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अपनी बात जारी रखते हुए मिस्टर शाह कहते हैं, अनन्या तुम्हारे प्यार में पागल है, मगर मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी तुमसे हो। मैंने उसके लिए पहले से ही किसी को ढूंढ रखा है। तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है वो, और तुमसे ज्यादा अनन्या के काबिल भी। एक पिता की अर्जी है ये तुमसे। चाहो तो अपना होटल वापस ले लो, बदले में मेरी अनन्या जो तुम्हें लेकर प्यार के सपने देख रही है वो तोड़ दो। शिखर को इस वक्त बस ये दिख रहा था कि एक बाप उसके सामने झुका हुआ है। शिखर जिसे खुद आज तक अपने बाप का प्यार ना मिला था, वो किसी और से उसके बाप का प्यार कैसे छीन सकता था। ये सब सोचकर अपने मन ही मन बहुत छोटा महसूस कर रहा था शिखर, और अपने दिल पर पत्थर रख शिखर अपना फैसला मिस्टर शाह को सुनाते हुए कहता है, आप जो चाहते हैं वही होगा। मैं अनन्या को अपने करीब नहीं आने दूंगा, उसे अपने आप से इतना दूर कर दूंगा कि उसके ख्वाब में भी आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। मिस्टर शाह धन्यवाद अदा करके शिखर को होटल का कागज थमा देते हैं, मगर शिखर मना कर देता है और विदा लेते हुए यहां से निकल जाता है। शिखर के जाते ही मिस्टर शाह के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। अपने झूठे आंसू पोंछते हुए सोचते हैं, मुझे पता था ये बेवकूफ अपना होटल वापस नहीं लेगा, और मैं अनन्या को इसके साथ नहीं जाने दूंगा। फिर किसी और से अपनी बेटी की शादी करा, अब दुगने फायदे में रहूंगा। घर वापस जाते हुए शिखर के मन में अनन्या के पिता को दिया वादा याद आ रहा था। उसने वादा तो कर दिया था, मगर क्या वो अनन्या को अपने आप से इतना दूर कर पाएगा। शिखर जैसे ही घर पहुंचने वाला होता है, देखता है उसके घर के सामने कुछ लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सब गुस्से में उसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। शिखर को शुभ चिंतक का दिया काम याद आता है। वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उन प्रदर्शनकारियों के सामने जा खड़ा होता है। शिखर को अपनी तरफ आता देख नारे लगा रहे प्रदर्शनकारी भी शांत हो जाते हैं। सबके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वहां खड़ा एक प्रदर्शनकारी आवाज उठाते हुए कहता है, हिम्मत तो देखो इसकी, हमारे सामने अपनी अमीरी का रौब दिखा रहा है इसको तो। शिखर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, सब शांत हो जाइए। फिर धीमी आवाज में अपनी बात जारी रखता है, मैं यहाँ आप सभी के सामने अपने किए की माफी मांगने आया हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि अपने अहंकार में चूर होकर मैंने आप सबको कितनी चोट पहुँचाई है। भीड़ में से एक और आवाज आती है, नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। इसके सहयोग में दूसरी आवाज कहती है, इन जैसों के लिए हम गरीब का दुख बस मजाक होता है। ये सुन भीड़ के सामने खड़ा एक प्रदर्शनकारी कहता है, इसके तो एक ही सजा है, इतना पीटो इसे कि होश ठिकाने आ जाए इसके। भीड़ में सब इस बात पर हामी भरते हैं और शिखर की ओर बढ़ने लगते हैं। शिखर अपनी बात रखने के लिए भीड़ को शांत करने की कोशिश करता है, मगर कोई उसकी बात सुनने को ही राजी नहीं। सब बस शिखर पर अपना गुस्सा निकालने उसकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। तभी आगे आ रही भीड़ की नजर पड़ती है उसी ओर आ रही न्यूज चैनल की गाड़ियों पर, जिसे देख सब अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। देखते ही देखते न्यूज चैनल की गाड़ियां वहां आ पहुंचती है और सभी पत्रकार शिखर के सामने खड़े होकर अपना माइक उसके सामने रख देते हैं और वो अपने सवालों की बौछार शुरू कर देते हैं। सभी शिखर को गरीबों का घर उजाड़ने के लिए और अपना नया मकान और नई गाड़ी लेने पर क्वेश्चन करते हैं। शिखर सबको शांत करते हुए कहता है, मैंने ये जमीन वहां रह रहे झोपड़पट्टी वालों के नाम करने का फैसला लिया है। उस जमीन पर मेरी जितनी भी योजनाएं थी, मैं उन सबको खारिज कर रहा हूं। उस जमीन पर ना तो कोई मकान बनाया जाएगा, ना ही आज के बाद उनका कोई ठिकाना छीन पाएगा। आज से वहां रहने वाले सभी अपनी अपनी जमीन के मालिक हैं। शिखर की ये घोषणा सुन सभी शांत हो जाते हैं। भीड़ में से एक बुजुर्ग सा आदमी आगे आते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मतलब आज से वो जमीन हमारी है? शिखर जैसे ही हामी भरता है, वहां खड़े सभी प्रदर्शनकारी जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। जो कुछ पल पहले उसे पीटना चाहते थे, वही लोग पलक झपकते ही शिखर को अपने कंधे पर बिठाकर नाचना शुरू कर देते हैं।
और कुछ न्यूज चैनल वाले भी अब अपनी बातों से पलटकर शिखर की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। शिखर को पता था उसने अपना सम्मान पाने की राह में अभी बस पहला कदम लिया था, अभी बहुत दूर जाना बाकी है। समय बीते शिखर अपने घर आता है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, सोफे पर दुल्हन के लिबास में किसी को बैठा पाता है। शिखर को पता था वो कौन है और धीमी सी आवाज में कहता है, अनन्या। सोफे पर बैठी अनन्या की नजर जैसे ही शिखर पर पड़ती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और भागते हुए शिखर की ओर बढ़ती है। अनन्या शिखर की ओर आ ही रही थी कि उसका पांव लहंगे में फंस जाता है और अपना संतुलन खोते हुए अनन्या पास में एक मेज के ऊपर गिरने ही वाली थी कि शिखर छलांग लगाते हुए उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसे गिरने से बचाता है। शिखर को अपने इतने करीब देख अनन्या की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अनन्या शिखर की आंखों में खोते हुए उसके करीब आकर कहती है, आई लव यू। ये सुन शिखर का दिल भी जोरों से धड़कने लगता है। शिखर के पास अनन्या के इस आई लव यू का कोई जवाब नहीं था। अपनी दुविधा में फंसा शिखर यही सोच रहा था कि एक तरफ अनन्या का उसके लिए प्यार तो दूसरी तरफ उसके पिता को दिया वचन। अब करे तो क्या। अनन्या अपना बदन ढीला छोड़ते हुए अपने होठों को शिखर के होठों के करीब लाने लगती है। शिखर को अनन्या की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अनन्या के होंठ शिखर के होंठों को छूने ही वाले थे कि शिखर अनन्या को अपनी बाहों से छोड़ उसे जमीन पर गिरा देता है। अनन्या हैरान हो जाती है। वो शिखर का हाथ पकड़ती है मगर शिखर उसके हाथ को भी झटकते हुए कहता है, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना कभी करता था, ना ही कभी कर पाऊंगा। अनन्या टूटी हुई आवाज में कहती है, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया शिखर? अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो क्यों हर वक्त मेरे लिए हर कदम पे मेरा साथ देने आ जाते हो? अनन्या ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। शिखर बिना अनन्या की ओर देखे कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया बस एक दोस्त के नाते किया है, उसके अलावा मेरे मन में तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। अनन्या खुद को संभालते हुए खड़ी होते हुए पूछती है, क्या तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम शीना से प्यार करते हो? शिखर अनन्या से दूर जाते हुए कहता है, मैं किससे प्यार करता हूँ किससे नहीं करता ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस इतना जान लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं ऐसा ख्याल मेरे मन में कभी आया। तो प्लीज तुम भी ऐसे सभी सवाल अपने मन से निकाल दो। शिखर और अनन्या की बातें चल ही रही थी कि शिखर को दिनेश का फोन आता है और शिखर अनन्या को नजरअंदाज करते हुए फोन उठाता है। जैसे ही दूसरी ओर से दिनेश की बातें सुनता है, शिखर वहीं पास में रखा रिमोट उठा टीवी चालू करता है। न्यूज में शिखर का चेहरा दिखाया जा रहा था, ये कहते हुए कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन शिखर कामले ने फिर अपना दोगलापन दिखाया। झोपड़पट्टी वालों को वादा किया था कि जमीन उन्हें वापस कर दी जाएगी और थोड़ी देर बाद उन सबका मकान तोड़वाने के लिए बुलडोजरों को भेज दिया। शिखर को ये खबर देख याद आता है कि उसने शुभचिंतक के पास जाने से पहले जो झोपड़पट्टी तोड़ने का फर्जी आदेश दिया था वो उसने वापस अभी तक नहीं लिया है और रिमोट हाथ से गिराते हुए शिखर दरवाजे की ओर भागता है। अनन्या भी पीछे से शिखर को आवाज देने की कोशिश करती है मगर शिखर नहीं रुकता। अनन्या अपने आप को शिखर के इस व्यवहार के बाद तुच्छा सा महसूस कर रही थी। शिखर की आंखों में अनन्या को चोट पहुंचाने का दर्द साफ झलक रहा था मगर शिखर बिना अनन्या को एक नजर देखे वहां से निकल जाता है अपनी कार की ओर। शिखर अपनी कार का दरवाजा जल्दी से खोलता है और भागता हुआ बस्ती की तरफ जाता है। एक एक करके सारी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जिनमें कभी लोग अपने परिवार के साथ रहते थे वो घर को आज बुलडोजरों ने बस एक मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। मलबा ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। सीमेंट सरिया लादे हुए ट्रक वहां खड़े हुए हैं। झोपड़ियां जो उन गरीबों के घर हुआ करती थी, जिन्हें बनाने में शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उन्हें गिराने में कुछ पल भी नहीं लगा था। वहां खड़े वो लोग आंखों में आंसू और चेहरे पर निराशा लिए अपने घरों को मिट्टी में मिलता हुआ देख रहे थे और उन सबके बीच खड़ा था शिखर, जो सोच रहा था कि उसे आने में देर हो गई। पर इस बार दोष सिर्फ किस्मत का नहीं था, उसमें शिखर का भी हाथ शामिल था। शिखर के मन में बार बार यही ख्याल उठ रहा था कि
उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन लोगों के साथ सही नहीं किया। इन बेचारों की क्या गलती थी? वहां खड़े लोगों की नजर जैसे ही शिखर पर पड़ी, सब भागते हुए आते हैं और शिखर को घेर लेते हैं। किसी की हिम्मत तो नहीं थी कि शिखर से कुछ कहे, पर अपना घर अपनी आंखों के सामने उजड़ता देख किसी में भी हिम्मत आ जाती है। उनमें से एक बूढ़ी औरत सामने आती है और कहती है, आप बड़े लोगों के सीने में दिल नहीं होता क्या? हमने पाई पाई जोड़ के ये घर बनाया था। आपके पास तो बड़े आलिशान बंगले होंगे, पर हमारे पास जो था यही था, और वो भी आपने हमसे छीन लिया। शिखर को उसकी गलती का एहसास हो गया था। आज भले उसके पास सब कुछ था, पर एक वक्त था जब उसके पास रहने तक को जगह नहीं थी। वो उनका दर्द समझता था, और अगर आज उसने अपनी ये गलती नहीं सुधारी तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। शिखर सोचता है कि अभी इतनी देर भी नहीं हुई है कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है। वो इधर उधर देखता है और जोर से चिल्लाता है, रोको ये सब, बंद करो ये बुलडोजर। और भागता हुआ एक बुलडोजर वाले के पास जाता है और कहता है, बंद करो ये, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी अब यहां। पर बुलडोजर वाला नहीं रुकता। शिखर की बात का जैसे उस पर कोई असर नहीं होता है। शिखर फिर चिल्लाता है, ए, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बोला ना बंद करो ये। बुलडोजर वाला शिखर की तरफ देखता है और कहता है, सर यहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कॉन्ट्रैक्टर साहब नहीं कहते यहां काम नहीं रुकेगा। शिखर गुस्से में कहता है, कहां है कॉन्ट्रैक्टर, मैं बात करता हूं उनसे। बस्ती वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये वही आदमी था जिसके इशारे पर यह सब हो रहा था। आज वही शख्स ये सब रोकने को कह रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने जैसे उनकी सुन ली हो। बुलडोजर वाला कहता है, वो तो लंच करने गए हैं। शिखर कॉन्ट्रैक्टर को फोन करता है, तुम जहां भी हो तुरंत यहां साइट पे आ जाओ। बस थोड़ी ही देर में कॉन्ट्रैक्टर भागता हुआ वहां आता है। क्या हुआ सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? वो मैं बाद में बताऊंगा, ये काम रुकवाओ तुरंत, शिखर कहता है। बस्ती वाले भी शिखर के साथ कहते हैं, हाँ हाँ तुरंत ये काम रुकवाओ। कॉन्ट्रैक्टर को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ अचानक से ऐसा क्या हो गया। वो इशारा करता है और एक साथ सारे बुलडोजर बंद हो जाते हैं। यहाँ अब कोई काम नहीं होगा, ये बुलडोजर लेकर वापस चले जाइए, शिखर कॉन्ट्रैक्टर से कहता है। कॉन्ट्रैक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है, लेकिन सर हुआ क्या, आप ही ने तो ये तोड़ने का आदेश दिया था कि यहाँ बिल्डिंग बनानी है। हाँ मैंने ही आदेश दिया था, और मैं ही ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, काम अभी बंद कर दीजिए, शिखर कहता है। कॉन्ट्रैक्टर झुंझलाते हुए जवाब देता है, आप समझ नहीं रहे हैं, काम नहीं रुक सकता, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सब सामान आ चुका है, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं वो भरने को तैयार हूँ, पर ये काम अभी रुक जाना चाहिए, कहते हुए शिखर अपनी चेकबुक निकालता है और एक रकम लिखकर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा देता है। मुझे लगता है इतना काफी होगा, शिखर कहता है, और रकम देखकर कॉन्ट्रैक्टर की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ जैसा आप कहें, कहते हुए कॉन्ट्रैक्टर इशारा करता है और सारे बुलडोजर वहां से ले जाया जाता है। वहां खड़े लोगों में से एक शिखर के पास आता है और कहता है, बाबूजी अब बुलडोजर रुकवाने का क्या फायदा, हमारा घर तो टूट चुका है, हमारे सारे सामान सारे सपने सब मिट्टी में मिल चुके हैं, अब जाकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे, बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाओ। ये सुन शिखर की आंखें नीची हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गुस्से में खड़े गरीबों के सामने शिखर अपने आप को तुच्छ सा महसूस कर रहा था। क्या होगा शिखर का अगला कदम? क्या शिखर अपना खोया हुआ सम्मान पाने में कामयाब होगा, और क्या शिखर अनन्या को अपने आप से दूर रख पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियम डिलीवरी बॉय।